ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज इन 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। देखिए यहाँ पे वन ही पर्सन है, रहमान है, और रहमान की अब से 3 साल पहले की एज और अब से 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल करके सम कर रहे हैं, तब वहां पे 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज आप रहमान इक्वल टू एक्स। ओके, 3 years अगो क्या हो जाएगा, 3 years अगो रहमान से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स माइनस, अगो की मतलब आज से 3 साल पहले की बात, एंड 5 years लेटर रहमान से इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो एक्स माइनस थ्री का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/(x-3) प्लस 1/(x+5) इज इक्वल टू 1/3। इसी को हमें सॉल्व करना है, देन हमें अपना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो एलसीएम इसका होगा x माइनस थ्री एंड x प्लस फाइव, इनका सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम लेते हैं, ये डिवाइड हो गया, तो आपका हो गया x प्लस फाइव एंड प्लस ये कैंसिल, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करेंगे तो x प्लस फाइव प्लस x माइनस थ्री अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस x 2x प्लस 2 इंटू 3 एंड यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके स्टूडेंट, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 15। नाउ स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 6x माइनस 15 एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 21 का ऐसा फैक्टर करना है, माइनस करने पे 4 हो जाए, 7 3 जा 21, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, बट स्प्लिट द मिडिल टर्म जहां पे यूज हो रहा है वहां पर मत यूज करिए, क्योंकि ये ज्यादा सिंपल होता है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, एक्स एक्स माइनस 7 एंड प्लस 3 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3। एज है, एज पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एज में इसकी एज जो होगी वो 7 ईयर होगी। ओके स्टूडेंट, इट्स सॉल्यूशन।